क्या करूं? अरे हे भगवान, मेरी रक्षा करना। राम 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 Hey guys, what's up? Welcome back to another video of Khunkhar Gaming. And guys, आज उसकी वीडियो में हम उतर चुके हैं मिलिट्री बेस में जो कि हॉट ड्रॉप है। खैर हम पहले गन लूटते हैं, उसके बाद आपको कुछ नई बात बताते हैं। तो यहाँ पे भैया दो बंदे उतरे हैं मेरे पास में, तो इनको पेल के पहले हम फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो गाइज, मैं आपको बता रहा था कि मेरा पिंग जो है ना अभी इस गेम में वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब भाई क्या बताऊँ मैं, फ्लक्चुएशन इतना है ना मेरे पिंग का इस गेम में कि मैं क्या बताऊँ, बस बता नहीं सकता मैं। इरिटेशन बहुत होती है अगर आपका पिंग हाई हो जाए एकदम से और आप बंदे को मारने जा रहे हो तो बंदा आपको ख़त्म कर देगा दूसरा, या फिर आप उसको ख़त्म कर दोगे। खैर ये गेम है, इसके अपने भी कुछ परेशान करने के तरीके हैं, जैसे कि इन गेम लैग, ग्लिच, साउंड लैग, ठीक है। तो ये भी गेम अपना पूरा फर्ज निभाता है परेशान करने का। खैर यहाँ पे हमें ऊपर से शॉट्स आते हैं तो हम नीचे कूद जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में एक बंदा है, तो हम उसको पेलने निकल जाते हैं। भाई मुझे नहीं पता इसके साथ क्या दिक्कत थी, ये लो आईक्यू प्लेयर था या हाई आईक्यू प्लेयर था, लेकिन इसको कुछ पता नहीं था कि आगे पीछे क्या चल रहा है। उसके बाद हमने गेम चालू किया कि तभी मुझे पैरों की आवाज़ आई, तो मैंने भाई इस गेम को कैंसिल किया क्योंकि पहले इस गेम को खेलना ज़रूरी है जिसमें मैं हूँ फिलहाल। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकला। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक आईक्यू वाले प्लेयर आते हैं जिनका कि आईक्यू पीएमसी और टूर्नामेंट के प्लेयर से भी ज़्यादा हाई है। वो कैसे, आप इनका आईक्यू देख के समझ जाओगे। मतलब भाई मैं घुस चुका हूँ बिल्डिंग में लेकिन बंदे को ये नहीं पता है मैं घुस चुका हूँ, नहीं घुस चुका हूँ, बंदा अपनी मस्ती में मस्त है। उसके बाद ये बॉट आता है, मतलब भाई अलग ही चीज़ है। बस कैंपर, मतलब भाई कैंपिंग करनी है तुम्हें लेकिन थोड़ा आईक्यू तो लगाओ कैंपिंग में। उसके बाद हमारा ग्लिच हो जाता है आइटम्स का, तो मैं अपना गेम रीस्टार्ट करने जाता हूँ कि तभी यहाँ पे एक भाई साहब आ जाते हैं अंदर बिल्डिंग में। तो अब देखना हम इनको कैसे बजाते हैं। भाई मुझ पे इन्होंने शॉट दिए अपने M4 के, तो मैं यहाँ से पीक करके देखने लगा कि कहाँ है। तो भाई मैंने नेट की पिन खींची और तभी मेरा पिंग मुझे धोखा दे गया। मैंने नेट कैंसिल कर दिया क्योंकि अगर मेरा पिंग हाई है तो क्या पता नेट मेरे हाथ में फूट जाए या फूटे भी ना, और मेरे पास वैसे भी उस टाइम पे नेट्स कम थे। तो उस बंदे ने क्या ही क्यों लगाया कि ये पीछे से आ गया मेरी तरफ और इसने सोचा कि मैं इसको पीछे से बजा दूंगा, लेकिन हमें तो कुछ सुनाई नहीं देता, हम तो बह रहे हैं यहाँ ना। उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे नेड करने का सोचा, और नेड में करने भी वाला था कि तभी ये बंदा आगे आ गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। यार मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो गया, मैंने इसके ऊपर अंधाधुंध रश कर दिया। तो गाइस इसको मारते टाइम जो मेरा पिंग था ना भाई, वो देख लेना, मतलब एकदम हाई हो गया, 60 से 100 हो गया, 100 से एकदम 400 हो जाता, तो मतलब भाई हाई सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। एंड ये वही समझ सकते हैं जिनका पिंग हाई रहता है हमेशा मैप मैच में। उसके बाद हम यहाँ पे चिल फिल करने लगे,
और यहाँ से अपनी थोड़ी लूट करने लगे। उसके बाद निकलते हैं यहाँ से बिल्डिंग से बाहर। अब अपने तभी हमें ऊपर पहाड़ी पे एक बॉट दिख जाते हैं टहलते हुए मस्ती में। तो बॉट को बजा के हम यहाँ पर अपना निकलते हैं बगी ढूंढने, और बगी हमें मिल भी जाती है। तो बगी में हम चलते हैं एंड ब्रिज की तरफ चलते हैं। ब्रिज कैंपिंग तो नहीं हो रही हो, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। ब्रिज कैंपिंग तो नहीं है। उसके बाद भाई ये बगी का अमेजिंग ग्लिच देखना आप लोग, बहुत ही कमाल का ग्लिच है ये। ये देखो भाई गाड़ी मतलब कोने से ढुकी है तो गाड़ी क्या मतलब है यार, ऐसे ऊपर उठ जाएगी। यार गाइस वो तो सही है, मैं टाइम पे कूद गया वरना मैं बिल्कुल ख़त्म था यहाँ पे। क्योंकि भाई ये गेम नहीं है, ये बस बग ही है यार, ये बग्स एंड ग्लिचेस से भरा हुआ है। कोई भी अपडेट ये दे देने के बग नहीं ख़त्म होते। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है। मैं सोचता हूँ किसी पीछे पे रश करता हूँ इसके ऊपर। नेट की पिन खींची कि भाई साहब, तभी मुझे पता लगता है कि बंदा यहाँ पे निकल गया। लेकिन ये तो बॉट देवता निकले कि तभी ऊपर एक रियल प्लेयर मिल गया। मैं इसको थोड़ा ट्रॉल करने लगा यहाँ पे शॉट देकर, जिससे पीक करे थोड़ा। उसने पीक करा भी, तभी हमने यहाँ पे इसको एक हेड दे दिया। उसने दोबारा पीक नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि उसका हेड चला गया है। उसके बाद मैंने इस पर रश मार दिया क्योंकि मुझे पता था कि बंदा थोड़ा डरा हुआ है, बंदे के मन में डर है। भाई साहब मैं सही था, बंदे ने स्मोक भी कर दिया यहाँ पे। अभी ये भाई थोड़ा बेचारा ज्यादा ही डरा हुआ था, इनके साथ क्या हो रहा था क्या नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ी अपने लूट करने, और यहाँ पे हमें बॉट दिख जाते हैं रियल प्लेयर वाले। रियल प्लेयर वाले मेरे साथ मतलब है रियल प्लेयर के एक्टिंग करने वाले। वैसे भी गाइस गेम में आजकल इतने बॉट भरे हुए हैं ना भाई, बस रियल प्लेयर तो भाई दिखते ही नहीं कहीं भी। उसके बाद यहाँ पे पीछे शॉट्स आते हैं तो मैं देखता हूँ प्रोनो की यहाँ पे कौन है, लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं। मैं डैशेस से यहाँ पे निकल जाता हूँ। भाई तभी इन गेम लैग, और मेरा पिंक तो है ही गजब जैसा कि आप लोगों को पता है। ये देखो पिंक के सस्ते नशे। भाई डासिया वाले पे मैं इतना शॉट दे रहा हूँ लेकिन शॉट लग ही नहीं रहे क्योंकि मेरे शॉट रजिस्टर नहीं हो रहे क्योंकि मेरा पिंग हाई है। उसके बाद घूम घूर के वगैरह हम पूरे मैप में घूमते हैं, रोटेशन लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे कोई भी मिला नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी को ढूंढने में यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गटका में, गटका में देखता हूँ यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा ज़रूर, क्योंकि गाइस कैंपर की लॉबी है, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। एंड होपफुली यहाँ पे एक कैंपर लेता है जो कि मुझे लास्ट में मार देगा। नेट की पिन खींची लेकिन भाई साहब कोई नहीं, तभी मुझे ये बॉट देवता दिखते हैं।
गाइस आजकल M4 से 6X का स्प्रे भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि भाई एक तो फ़ोन का गर्म हो जाता है और हाथों में जो पसीने आते हैं ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब गर्मी आने पे ही भाई ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। खैर, हमें यहाँ पे एक डासिया दिखती है, तो डासिया दिखी है तो उसका मतलब बंदे तो हैं ही, हम चलते हैं यहाँ से एंड होपफुली यहाँ पे शॉर्ट्स भी आते हैं। कुछ चलता हूँ एंड ये देखो गाइस हमारा डूम 4 का स्टंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे एक बंदे ने MK14 से एक बॉट को ख़त्म किया था किल फील्ड में, आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे उसका वेट करने लगा कि बाहर निकलेगा, मैंने उस पर नेड किए, बाहर घूमा, देखा कि बाहर आएगा, लेकिन भाई साहब बंदा आने को तैयार नहीं, बंदा ज़िद्दी है। उसके बाद जब मैं इसके पास जाता हूँ ना तो मुझे एक सरप्राइज़ मिलता है, वो क्या अब आप देख लो। मैंने यहाँ पे हीलिंग करी, भाई साहब मैं निकल लिया। ये ऐसा कैसा बंदा हो गया, इतना भीड़ तो कोई भी नहीं होता। मैंने इसकी डासिया उठाई यहाँ से, और इसकी डासिया उठाने के बाद में मैंने सोचा कि इसकी डासिया से इस पर रश मार दूंगा। भाई बंदा यहाँ पे AFK होके बैठा है, अब मुझे नहीं पता या तो इसका इंटरनेट गया था, ये AFK हो गया था, या फिर ये कैंपिंग कर रहा था, या कुछ और ही कारण था इसके, जहाँ तक ये AFK ही हो गया था। उसके बाद यहाँ पे पीछे से हम घटना के निकल तरफ निकल जाते हैं दोबारा, देखने की कोई है तो नहीं है। तो ये देखिए हमारा डूम 4 का दोबारा से एक स्टंट है, आपको ये कैसा लगा दोबारा कमेंट कर देना। भाई इस पर लाइक नहीं करा तो यार आपने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, एक लाइक तो उस पर बनता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि कोई ना कोई तो होगा, तो मैं यहाँ पे आगे गया जान पूछ के, मुझे कोई ना कोई शॉर्ट्स तो देगा ज़रूर। गया मैं घूम के सीढ़ियों पे चढ़ा कि भाई तभी मुझे आ गई कैंपर की आवाज़, ऊपर है रेंग रहा है। मैंने यहाँ पे नेड़ करने की सोची कि तभी भाई साहब मैंने यहाँ पे अंदर जाने की सोची, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि पिंग हाई है, मैं जा ही नहीं पाया। और खैर वो जो US थी उसने मेरा ध्यान भटका दिया था कि डबल किल्स मिल जाएंगे, तो भाई खैर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ लालच भी पूरी बला है, ठीक है। तो यही था गाइस गेम प्ले, तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।